नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं आप लोगों का दोस्त राहुल मजुमदार। किशले आर्ट स्कूल के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों के साथ चुनिंदा कुछ ग्रेट आर्टिस्ट और उनके द्वारा किए गए बेहतरीन बेहतरीन वर्क्स को लेकर के हाजिर होता हूँ। दोस्तों, इस सेगमेंट का नाम है डिस्कशन अबाउट आर्ट एंड आर्टिस्ट। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने दुनिया के एक बेहतरीन आर्टिस्ट और उनके द्वारा किए गए एक बेहतरीन वर्क को लेकर के हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, इस आर्टिस्ट का नाम है हेनरी मातीस। हेनरी मातीस एक फ्रेंच आर्टिस्ट हैं। उनका जन्म फ्रांस में हुआ था और वो फोबिज्म के दौर की एक बेहतरीन आर्टिस्ट है। फोबिज्म वर्क्स का बहुत बढ़िया रूपरेखा मातीस के वर्क्स में देखा जा सकता है। दोस्तों, हेनरी मातीस का किया गया बेहतरीन वर्क जिसका नाम है डांस, आपके स्क्रीन के ऊपर दो पिक्चर्स यानी कि दो पेंटिंग्स दिखाए जा रहा है। एक था हेनरी मातीस का पहला वाला डांस और उसके साइड में हेनरी मातीस का दूसरा डांस पेंटिंग को दिखाया जा रहा है। दोनों ही पेंटिंग ऑयल ऑन कैनवस पर है। दोस्तों, पहले वाला वर्क्स देखिए, एकदम सिंपल तरीके से वही फाइव फिगर्स, वही कंपोजिशन, वही सर्कल बेस राउंड सभी दिखाया जा रहा है। और दूसरे पेंटिंग देखिए जो 1910 में किया गया था हेनरी मातीस द्वारा, जो एक रशियन आर्ट कलेक्टर के पास उनके होममेड गैलरी में स्थापित था। दोस्तों, आज ये पेंटिंग यानी डांस टू वाला पेंटिंग स्थापित है रशिया की सेंट पीटर्सबर्ग में एक गैलरी में। दोस्तों, ये पेंटिंग छोटी नहीं है, बहुत बढ़िया पेंटिंग है और बहुत बड़ा पेंटिंग है। हाइट एंड लेंथ इसका बहुत बड़ा है, लाइफ साइज से भी बड़ा। फिर भी इस पेंटिंग को आप लोग देखिए, इनमें क्या कलर है, क्या बैलेंस है, क्या रिदम है, कैरेक्टर्स कितने हैं, वो क्या कहना चाहता है और आर्टिस्ट इस पेंटिंग के द्वारा हम लोगों को क्या संदेश देना चाह रहा है, वही आप लोग एक ग्रेट पेंटिंग के सामने खड़े होकर के सोचिएगा और देखिएगा। यहाँ इस पेंटिंग को देखिए, इस पेंटिंग के अंतर्गत फाइव फिगर्स हैं। फाइव फिगर्स मिलकर के एक डांस के रिदम पकड़ रहे हैं और एक सर्कल बेस में वो लोग डांस कर रहे हैं। यहाँ पर कलर देखिए, तीन कलर है, दो प्राइमरी कलर और एक सेकेंडरी कलर। यहाँ पर दो प्राइमरी कलर कौन कौन से हैं, रेड है और ब्लू है, ये दो है प्राइमरी कलर, और एक सेकेंडरी कलर है जो है ग्रीन। यहाँ पर देखिए, बैकग्राउंड में जो ब्लू है और फोरग्राउंड में जो ग्रीन है, यहाँ पर ब्लू सिंबलाइज कर रहा है स्काई को और यहाँ पर ग्रीन सिंबलाइज कर रहा है अर्थ को। तो ग्रीन और ब्लू के मिडल में जो यहाँ पर फिगर्स फाइव जो एक सर्कल में डांस कर रहे हैं, उस उन सभी फिगरों का कलर देखिए रेड, और देखिए वाइब्रेंट कलर से इन सभी का आउटलाइन बॉर्डर किया गया है। और ये रियलिस्टिक वर्क भी नहीं है, सेमी रियलिस्टिक वर्क भी नहीं है, ये है प्रिमिटिव वर्क में एकदम लाइटली किया गया फिगर वर्क्स। जस्ट उन सभी का मोशन, एनर्जी और इम्प्रेशन को पकड़ने की कोशिश थी हेनरी मातीस की द्वारा। यही उनके वर्क्स की खासियत थे, जो है फ्लैट कलर्स और उन सभी कैरेक्टर्स का एनर्जी, मूवमेंट, फोर्स और उन सभी कैरेक्टर्स का जो एक बैलेंस, हार्मनी, रिदम जो होता था, वही हेनरी मातीस पकड़ते थे। हेनरी मातीस ने बोला है कि कलर्स, एक कलर कभी भी ज़्यादा इम्प्रेशन या ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं हो सकता जब तक के वो सभी कलर या अदर कलर के साथ एक साथ जुड़ नहीं जाता, तभी बाकी कलरों के साथ जब कलर प्रोजेक्ट होता है कैनवस के अंदर, तब वो एक हार्मनी क्रिएट करता है, एक इम्प्रेशन क्रिएट करता है, वही हेनरी मातीस पकड़ते थे। यहाँ पर देखिए ये फाइव फिगर्स कैसे डांस कर रहे हैं और इनका मूवमेंट देखिए, एनर्जी देखिए, कितना फोर्स देखिए। यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ डांस दिखाया जा रहा है, एक आदमी का आनंद नहीं, यहाँ पर सभी आदमी जो इस कैनवस के अंदर एक कंपोजिशन में है, इन सभी आदमियों का यहाँ पर फोर्स देखिए, कंपोजिशन देखिए, एनर्जी देखिए, फुल ऑफ एनर्जी में ये लोग डांस कर रहे हैं। और यहाँ पर इतना फ्लैट कलर्स है और देखिए ग्राउंड के ऊपर, जिस ग्राउंड के ऊपर ये लोग नृत्य कर रहे हैं यानी कि डांस कर रहे हैं, उस ग्राउंड के ऊपर आप देखिए फिगर्स का कोई भी शेडो नहीं गिरा है, यानी कि शेडो नहीं है। यहाँ पर फ्लैट कलर्स इस्तेमाल किए गए हैं
बहुत अच्छे मोशन यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। देखिए यहाँ पर डांस करते करते एक फिगर एकदम फ्लाइंग कैरेक्टर्स में है, उनका जो बैलेंस है यहाँ पर बैलेंस देखिए, मोस्ट वाइटल थिंग ऑफ दिस पेंटिंग इज बैलेंस। यहाँ पर बैलेंस देखिए, सभी कैरेक्टर्स के अंदर बैलेंस है, यहाँ पर ऐसा नहीं कि एक फिगर बैलेंस क्रिएट कर रहा है, यहाँ पर सभी फिगर मिलकर के इस सर्कल का, इस डांस का पूरा रिदम एंड बैलेंस क्रिएट कर रहा है। तभी एक फिगर जो फ्लाइंग मूवमेंट में है, बाकी सभी फिगर मिलकर के उस फिगर का जो कॉन्सेप्ट है और जो यहाँ पर उस फिगर का बैलेंस है, वो बैलेंस को क्रिएट किया जा रहा है सभी फिगरों द्वारा। यहाँ पर देखिए सभी फिगर एक दूसरे के हाथ पकड़ के यहाँ पर डांस कर रहे हैं। सर ज़्यादातर फिगरों का नीचे की तरफ है और कुछ कुछ फिगरों का साइड की तरफ है। यहाँ पर एक फिगर जो मिडिल में, जो फ्रंट में है, एकदम जो व्यूअर के एकदम सामने है, उस फिगर को देखिए, वो फ्लाइंग कैरेक्टर में है और उसका एक हैंड ऑपोजिट फिगर के एकदम पास है, बट टच नहीं किया गया है। पर फिर भी देखिए राउंड पूरा कंप्लीट है। उसके ऑपोजिट देखिए और एक फिगर एकदम वाइब्रेटिव डांस मूवमेंट में है, वो फिगर ऐसे करके खड़ा हुआ है कि आप इस रिदम को तोड़ नहीं सकते। देखिए कितना सुंदर तरीके से एक आर्टिस्ट ने इस पूरे काम को किया है। और आप जो व्यूअर इसको देखेंगे या जो व्यूअर इसको देखते हैं, तो उनके जो आंखें हैं वो उस सर्कल ओरिएंटेड वो फिगर्स के बाहर कभी भी नहीं जा सकता। यही था खासियत इस पेंटिंग का। दोस्तों ये पेंटिंग बहुत ही नायाब और बढ़िया पेंटिंग है, आप लोग इस पेंटिंग को देखिए। मेरी आशा है कि मैं जो आप लोगों को बोलना चाहता हूँ इस पेंटिंग के ज़रिए, यानी कि आर्टिस्ट ने जो बोला था इस पेंटिंग में, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के सामने सब कुछ प्रोजेक्ट कर पाओ। दोस्तों मेरे इस प्रयास को आप लोग सहायता दीजिए और मेरे चैनल किशल आर्ट स्कूल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आगे भी मैं आप लोगों के सामने ऐसे नायाब आर्टिस्ट और उनके द्वारा किए गए बेहतरीन वर्क्स को लेकर के हाजिर हो सकूँ। दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्ते, थैंक यू।